अभी मेरी एम्बेसडर मैकेनिक लेकर के आ गया है, क्योंकि वो जाम होने के वजह से, पाइपलाइन जाम होने की वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो अभी मैं गैरेज भाई गैरेज में लेके ये राजू भाई लेके आ गए हैं, और इसका जो भी ख़राब हुआ है तो वो उसका मैं वीडियो पार्ट्स का शूट करके आपको दिखाता हूँ। ये टाकी का फोटो है, और ऊपर जो रखा हुआ है ये फ्यूल गेज है, जॉइंट रखा हुआ है, ये फ्यूल गेज है। बोला भी आए नहीं थे यार। ये टाकी है, और ये आपका ये फ्यूल गेज है। ये एम्बेसडर ग्रैंड जो लास्ट वाली थी यूरो 3, उसका पार्ट्स है। चालीस लीटर की टाकी है शायद, है ना? और क्या बोल रहे हैं आप, किसका ले लो, किसका भी किसका ले लो। ये जॉइंट है, ये कपलिंग है, ये कपलिंग है, ये खराब है क्या? हाँ, अरे परेशान हो जाओगे, साइकिल भी छोटी कर दी ना उसने तो। और ये मैंने वेल्ड कराया था, ये गेज मेरे ने तो आ रहा हूँ छोड़ो ना, ये काम नहीं करता। हाँ, परेशान हो जाओ, साइकिल उसने छोटी करवा दी, जबरदस्ती चलाती नहीं। अभी मेरी एम्बेसडर का मैंने टैंक खुलवाया है, और इसमें खड़ी होने के कारण इसमें जंग लग गया था, तो जंग लगने से जैसे पाइपलाइन जाम हो जाती है, और इसको मैं साफ़ कराऊंगा, या तो देखता हूं क्या है, इसमें डीजल डाल के साफ़ करना पड़ेगा। और एक मेरा ये फ्यूल गेज है, ये फ्यूल गेज है, ये भी ख़राब है, और इसकी वजह से बटन ले गया क्या बटन बटन ये वजह से को बटन दिया ना बनवाने के लिए, मेरा पता नहीं चलता डीजल का बटन, ये फ्यूल गेज का पार्ट था राइट साइड का, बटन स्प्रिंग टूट गया, ग्राम में बनाता है ना। और ये जा रहा हूं मैं, जा रहा हूं, डेढ़ बज जाएगा। राजू भाई इसको क्या बोलते हैं, किपलिंग यूनिवर्सल जॉइंट है, इसका कपलिंग है, यूनिवर्सल जॉइंट है, और ये कपलिंग है, एक ये ख़राब हुआ है, जिसके वजह से मैं गाड़ी जब चलाने की कोशिश करता हूँ जब फर्स्ट गियर पे, तो धप धप की आवाज़ आती है ना, है। और इसका ये क्या ख़राब हुआ है, अल्टीनेटर। तो ये अल्टीनेटर में क्या ख़राब हुआ है राजू भाई, वो मालूम है, वो अल्टीनेटर वाला टिकेगा ना। और इसको क्या बोलते हैं, जो दूसरा वाला पार्ट है वो डीजल का, तो पाइपलाइन है, पाइपलाइन है ना, पकड़ो भाई, पकड़ो जरा, ये कपलिंग है, इसको खोलो, खोलना पड़ेगा, कपलिंग मेरे को है ना, लाके पकड़ो, ऐसे लेके जा पाओगे, ये यहाँ से निकालना मत वो, है ना, इसका कपलिंग खराब हो गया है, जो कि मैं बनने के लिए भेज रहा हूँ, यहाँ से निकालना, हाँ ठीक, ये पूरा दे देना ना, तो ये इसको दे दूंगा, है ना, ये भी जून, ये तो नली है लग रहा मुझे, वेंचर है,
नहीं अभी देना है। एम्बेसडर का भी पार्ट मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कैसे लेके जाओगे? पकड़ो आके। क्या ये लेके जा रहा है वो? ये दो, मैं इनको मैकेनिक नहीं कहूँगा, ये मेरे दोस्त जैसे हैं। पहले राजू भाई एम्बेसडर एक्सपर्ट हैं, और दूसरे इनके सहयोगी पप्पू भाई। ये दोनों चंगू मंगू एम्बेसडर का काम अच्छे से जानते हैं और करते हैं। राजू भाई, आपके पास जो एम्बेसडर थी पहले, उसको आप उसके बारे में थोड़ा बताइए ना। वो एम्बेसडर 84 मॉडल थी। हाँ। और मैंने उसमें मेटाडोर इंजन बिठाया था। हाँ। और दिल्ली से लेके कलकत्ता छोड़ के बाकी सब जगह घूमा था उसे। अच्छा। आगरा वगैरह। हाँ। दिल्ली आगरा राजस्थान होके गुजरात होके बॉम्बे चला आया। तो वो आप उसको कोई परेशानी नहीं हुई थी? कोई उसमें दिक्कत नहीं, अच्छी से। अच्छा, ये कितने साल पहले की बात है? ये 97 तक थी मेरे पास। 97 तक, तो तब से आप एम्बेसडर का यानी कि एक्सपर्ट हो। जब आप के पास खुद एम्बेसडर थी और जब घूमते थे, तो अभी थोड़ा सा एम्बेसडर गाड़ी तो अच्छी है पर थोड़ा पार्ट्स में प्रॉब्लम होती है। वही दिक्कत है, पार्ट नहीं मिलता इस वजह से थोड़ी दिक्कत। हाँ, बाकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे ये जो काम निकला है, ये सब इंजन का काम थोड़ना है, ये नॉर्मल काम है और ये ठीक हो जाता है। राजू भाई के ऊपर मेरे को पूरा भरोसा है, क्योंकि इनके पास खुद की एम्बेसडर थी और ये बंगाल कलकत्ता गांव कलकत्ता छोड़ के सब जगह घूमा, कलकत्ता छोड़ के सब जगह ये घूमे हैं, तो इनको एम्बेसडर का फुल नॉलेज है। तो मेरी गाड़ी की देखभाल राजू भाई करते हैं। उम्मीद है कि ये काम एक दो दिन में पट जाएगा। सही हो जाएगा ना? सामान मिल जाएगा तो फटाफट काम हो जाएगा। सामान मिल जाएगा तो सब सही काम हो जाएगा। अब इसका एलिमिनेटर का भी काम हो गया। अच्छा, अच्छा ये फेल हो चुका है। अच्छा, चार्ज नहीं करता है। ये किस वजह से होता है राजू भाई? या तो रेक्टिफायर गया होगा या कटआउट गया होगा। अच्छा, ये या तो इसका अंदर का रूटर गया होगा। हाँ, इसके वजह से होता क्या है, बैटरी डाउन हो जाती है। आप बैटरी डाउन हो जाती है, चार्ज नहीं कर रहा है। अच्छा, वो शो कर रहा था बैटरी का, लाइट शो करता है। हाँ, बाकी तो गाड़ी तो सही है, गाड़ी की तो कोई दिक्कत नहीं है। तो राजू भाई ने आज इसको बनने के लिए दिया है। अब ये जो एम्बेसडर में जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ताकि मैं एम्बेसडर से बहुत प्यार करता हूँ। और इसको मैं, राजू भाई, इसको टंकी को आप कैसे बोल रहे हो कि कैसे धुलवाएंगे इसमें जो कचरा आ गया? सर्विस में लेके जाएंगे सर। हाँ, फिर इसको प्रेशर से धुलवाएंगे। हाँ हाँ, एक बार पहले भी हो चुका है लेकिन फिर भी ये हो गया समस्या। ये इसका ये महीन जाली है, ये चोकअप हो जाती है, वजह से डीजल नहीं सप्लाई हो पा रहा है। इसके वजह से हो रहा है क्या ये चोकअप? ये जो कीचड़ जैसा है ना, ये देखो। हाँ हाँ, ये कीचड़ जैसा है ना, ये जाली चोकअप हो जाती है। अच्छा, इसके वजह से ये चोक हो जाती है तो डीजल नहीं ले पा रही है, बंद पड़ जाती है। अच्छा, तो ये इसको क्या बोलते हैं राजू भाई? ये मेन पाइपलाइन है। मेन पाइपलाइन, ये टाकी में फिट होती है इसे। हाँ हाँ, और उसमें पाइप लग जाती है। अच्छा अच्छा, इसका मेन पाइपलाइन यही है। मेन लाइन यही है, मेन लाइन है ये। तो राजू भाई, इसको ये रिपेयर होगा कि इसको बदला जाएगा? कोशिश करता है इसमें अल्टरेशन करने की। अच्छा, ये जाली कोई दिमाग लगा रहा है, देखता हूँ क्या जाली मिलेगी। क्योंकि आप एम्बेसडर के एक्सपर्ट हो, इसलिए आपके ऊपर भरोसा है मुझे। हैं, आइए देखिए, पूरा ये चिटचिट सा हो रहा है ना। ये यहीं से खींचता है, ये जब इसे ब्लॉक हो जाती है ऐसे खींच लेता है तो हो नहीं पाती। तो आपने इसकी भी फोटो खींच के भेजा है उसको? नहीं, जाली का तो मैं दिमाग लगाऊँ कुछ ना कुछ यहाँ तक। अच्छा अच्छा अच्छा, जाली का तो दिमाग कुछ ना कुछ लगाना पड़ता है। ये मेन है ये इसका। अच्छा अच्छा, इसके वजह से कहाँ कीचड़ दिख रहा है इसके अंदर लगा। फ्लश नहीं पहुंच पाता है ना, फ्लश नहीं पहुंच पाता। अच्छा, तो इसके अंदर कीचड़ जैसा है टाकी के अंदर। आप ऐसा देखो ना, ये देखो, ये वो भरा हुआ है, देखो ये, अब ये देखो मैं मार।
गैरेज हुए ये, ये सही है ना क्रॉस जो मिला है? क्रॉस तो ठीक है। अच्छा ये ओरिजिनल है ना? वो बताओ 2200 का ये बोल रहा था ये किपलिंग और वो 750 का दिया उसको। एक बार गए मालूम तो चल गया ना, ये भी 350 का दिया। रेट आपको मैंने लिस्ट भेजा है। और बाकी तो मेरे को सब ओरिजिनल सामान लग रहा है। उसका तो हाथी खाली नहीं, मार्स वाले को आप जानते हो ओपेरा हाउस में? सुना है, नाम सुना है। अरे उसका तो हाथी खाली नहीं है, कहा कि जब तक मैं मरूंगा नहीं अमीर लोगों के, कहा तब तक मैं कार का सामान बेचूंगा कभी भी कभी लो। पूरे ऑल ओवर इंडिया उसके पास सामान है। और ये जो फ्यूट ये है गेज, ये तो मिल गया है। अभी लगा के चेक करूंगा, देखो उठता कि नहीं उठता है, क्या है, जो चेक करेंगे। अच्छा तो ये अपने लिए बेकार है वो, ये लेके जाओ। इसको कैसे एडजस्ट होगा ये? उसको ये थोड़ा मेरे को महंगा लग रहा है, ये 500 रुपये में दिया। ओरिजिनल है, उसके बाद कोई डुप्लीकेट सामान नहीं है। इसमें HM किधर लिखा हुआ है? हाँ ये नहीं है। ये क्या है इसमें HM किधर है? ये ओरिजिनल है? हाँ, ये नहीं लगता ये ओरिजिनल। नहीं नहीं ओरिजिनल नहीं है। कपलिंग ओरिजिनल ही होनी चाहिए, पूरा जॉइंट का लोड ज्यादा टाइम थोड़ी।